भावी विधायक के रूप में भावी कैंडिडेट कहिए उनको विश्वनाथ जी की संभावना है, तो मैं उनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जात पात से उठकर इनको मत देने का काम करेंगे। माननीय सांसद महोदय को आप लगाओ, बेला से जरूर रखिएगा सर, हम लोग तो आपके साथ हैं ही हैं और भविष्य उनका उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। विश्वनाथ जी आप टिकट लेके आइए। नमस्कार, मैं हूँ कमल नयन। आप देखना शुरू कर चुके दोस्तों फ्री भारत। जैसा कि आपको पता है कि बेलागंज में उपचुनाव होने जा रहा है दोस्तों, और यहाँ पे जनता है जो खुद बोल रही है कि आप टिकट लेकर के आइए, हम आपको जिताने के लिए रेडी हैं। किनको बोल रहे हैं? तो डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी को दोस्तों। एक बहुत ही साफ छवि के व्यक्ति हैं और काफ़ी ज़्यादा समाज के बीच में अपनी बातों को, अपनी सारे विचारों को सभी के साथ दुख दर्द में खड़ी मिलते। उनके पिताजी यहाँ से 35 साल के विधायक रहे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने है जो यहाँ पे काम किया। तो कोरियामा पंचायत के मुखिया मनोज शर्मा ने खुद बोला है कि आप टिकट लेकर के आइए विश्वनाथ जी, बेलागंज की जनता आपके साथ है। जिस तरीके से मैं यानी सभी बेलागंज की जनता आपके पिताजी को हम लोगों ने जिताया एक सेवक के तौर पे, उसी तरीके से मैं भी आपको एक सेवक के तौर पे जिताऊंगा। और मनोज शर्मा ने क्या कुछ कह रहे हैं मंच से, आइए इस वीडियो के जरिए मैं आपको छोड़ता हूं दोस्तों। पंचायत अंतर्गत भिन्न भिन्न गाँव में मैं साथ चला हूँ, साथ रहा। बीसीसी हो, टेबल वालों को नाली का उद्घाटन में हमारे लोकप्रिय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विधायक हमारे भी हैं, जहानाबाद के सांसद माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, साथ में प्रखंड प्रमुख उनके सुपुत्र विश्वनाथ जी, मंच पर मंचा सिंह, सभी का नाम तो नहीं, समय कम है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा आप लोग को कि जहानाबाद के सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज ए टाइम है, लेकिन इन्होंने बेला को 35 वर्ष विधायक रहे हैं और आज भी बेला से इनको लगाव है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि यहाँ से भावी विधायक के रूप में भावी कैंडिडेट कहिए उनको विश्वनाथ जी की संभावना है, तो मैं उनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जात पात से उठकर इनको मत देने का काम करेंगे। मैं माननीय प्रमुख से हिलता मिलता जुलता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले भारत सरकार द्वारा कार्यशाला पटना में किया गया था, जिसका अगुवाई हमारे माननीय प्रमुख कर रही थी, तो व्यक्तिगत रूप से मैं इनके साथ वार्तालाप किया। एक बहुत अच्छा नेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है, मेरा जो अनुभव लगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय सांसद महोदय को, आप लगाओ, बेला से जरूर रखिएगा सर, हम लोग तो आपके साथ हैं ही हैं और भविष्य उनका उज्ज्वल भविष्य की कामना करूंगा। विश्वनाथ जी आप टिकट लेके आइए, मन पर समय कम है और बोलने के लिए बहुत कुछ है, और ऐसे ही काम करते रहे। हमने घूम के देखा, बहुत प्रखंड प्रमुख महोदय काम कर रहे हैं, चाहे वो रघनी बीघा में हो, पाई बीघा में हो। अब अंबेडकर जी का मूर्ति का अनावरण करके आ रहे हैं, मैं साथ साथ चल रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सुना, ये थे मनोज शर्मा जो कोरियामा पंचायत के मुखिया हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने क्षेत्र में ये भी हैं जो काम करते हुए आ रहे हैं। तो इनके बारे में आप क्या सोचते हैं और विश्वनाथ यादव जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ऐसा जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे तो पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेलागंज की हर एक खबर गांव, गली, मोहल्ले, कस्बे सभी जगह को देखने के लिए हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।